पिछले साल कन्नी सेना ने एक नारा दिया था, उसको भाजपा को भुगतना पड़ा। अतिशीघ्र कोई कदम उठाए, नहीं तो हमें उठाना पड़ेगा, और जब हमने कदम उठाया तो चुनाव आने वाला है। प्रशासन और राजनेता दोनों से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से भी, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। देश के दिल को दहलाने वाले उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में उन दो निर्मम आतंकवादियों को पकड़वाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राजसमंद जिले के दो युवा शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह की रही। मगर अत्यंत दुख की बात है कि अपने जान को दांव पर लगाने के बाद इतने साहसी तरीके से उन दो आतंकवादियों को पकड़वाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन दोनों युवाओं को लगता है कि प्रशासन और सरकार सभी ने तमाम दावों, आश्वासन और वादों के बाद अब भुला दिया है। इस घटनाक्रम में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के सामने आने के बाद, हालांकि इनको सरकारी नौकरी, लाइसेंसशुदा हथियार जैसे तमाम आश्वासन दिए गए, उनको लेकर लंबी चौड़ी कवायदें चली, बड़ी बड़ी बातें की गई, मगर दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी धरातल पर इन युवाओं के हाथ कुछ नहीं लगा और ये आज भी प्रशासन और सरकार के दर दर भटकने के अलावा, उनके पास जाकर अपनी मांगों को दोहराने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज पुनः इस विषय को लेकर राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इन युवाओं को सरकारी नौकरी, उसके साथ लाइसेंसशुदा हथियार देने की मांग की गई और साथ ही ये घोषणा की गई कि अगर अब इसमें कोई कोताही बरती जाती है तो यकीनन आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के माध्यम से इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। जिस प्रकार से आपको विदित है कि पूर्व में जो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था और वो घटना कारित करने के बाद जो हत्यारे भीम की तरफ भागे थे, और जब देवगढ़ पुलिस द्वारा हमारे भीम क्षेत्र के दोनों भाई प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह को मिली और ये उनके पीछे लगभग 20-25 किलोमीटर पीछा करके उनको पकड़वाया, और उसके बाद पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रमोशन सरकार द्वारा दिया गया, और इन दोनों को लेकर हमने पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिपाल सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ के स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह जी भी उसमें साथ थे और हमारे समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री महोदय से मिला। उस समय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था और एक हथियार का लाइसेंस को लेकर हमने पूर्व में हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में स्थानीय समाजजन द्वारा कलेक्टर महोदय से मिले, और कलेक्टर महोदय अभी तक उस लाइसेंस को लेकर आगे टालम टोल करते जा रहे हैं, और अंततोगत्वा हम सबको मिलकर एक राजसमंद स्तर पर हमने एक मेवाड़ जन संघर्ष समिति बनाई और उसके तत्वावधान में श्री राजपूत कर्णी सेना द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में इन दोनों भाइयों को न्याय दिलाने के लिए बृहद स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। आपकी मुख्य मांगें क्या क्या है इस विषय पर? मुख्य मांगों में पहली मांग तो ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जाए, और दूसरी मांग ये है कि इनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, और इसके लिए यहाँ के जो MLA भीम के हैं वो भी हैं और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी पूरे लगे हुए हैं। मैं तो उदासीनता समझता हूँ यहाँ के कलेक्टर की कि इतने बड़े मौके पर इतना बड़ा काम करने वालों को घर जाके लाइसेंस देना चाहिए था, और वो आज माध्यम ढूंढ रहे हैं अपनी सुरक्षा का। ये शर्म की बात है, कलेक्टर जिले का मालिक होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी युवा को मोटिवेट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम था कि इसको देखकर, इस अवार्ड को देखकर, इस सम्मान को देखकर ना जाने कितने नौजवान जो आँखें बंद कर लेते हैं, वो भी कभी ना कभी इस तरह के कोई नए माहौल में अगर कोई पैदा होता है तो उसमें वो अपना समर्थन या साथ देके पुलिस की मदद करें, प्रशासन की मदद करें। शर्म की बात है कि इतना बड़ा काम, अगर वो वहाँ से भाग निकलते तो पुलिस का कितना समय, कितना पैसा खर्च होता और कितनी किरकिरी होती, और ना जाने इसका अंजाम क्या होता। 28 तारीख को ही वो धर दबोचे गए, अगर 2-4-5 दिन और निकल जाते तो राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाती। इतनी संवेदनशील चीज़ को नकारते हुए अगर यहाँ का कलेक्टर साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो दुर्भाग्य इस राजसमंद का। यहाँ के जो लोकल लोग जो हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलेक्टर अगर हैं तो उनसे कहीं कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो
सही का साथ नहीं दे पाए और गलत का विरोध नहीं कर पाए, ऐसे कलेक्टर की जरूरत नहीं है यहाँ। और मैं सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाए, क्योंकि एक वीरता का काम इन्होंने किया है। एक इज्जत सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, इन्होंने आप राजनेताओं की भी इज्जत बचाई है, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे आपके ऊपर ही खड़े होते और जवाब भी आप लोगों को देना चाहिए। तो आपको आगे बढ़कर, मैंने जब बात की तो बोले वो हमारे पास नहीं आए। कन्हैयालाल के क्या बच्चे आपके पास आए थे क्या? आप लोग भी तो दूर दूर थे, उनके पास गए थे भाई। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग अतिशीघ्र कोई कदम उठाए, नहीं तो हमें उठाना पड़ेगा। और जब हमने कदम उठाया तो चुनाव आने वाला है। पिछले साल कर्णी सेना ने एक नारा दिया था, उसको भाजपा को भुगतना पड़ा। तो मैं स्थानीय अभी जो सरकार है उनसे, गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, हम कोई आपसे डिमांड नहीं, गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम वही चीज़ आपसे मांग रहे हैं जिनके ये हकदार हैं, इनको वो अधिकार मिलना चाहिए, इनको आम से एक आत्म सुरक्षा के लिए मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। 8 महीने से ये घर बैठे हुए हैं। ये घटना जो घटी है वो पहली बात, अगर शासन और प्रशासन ध्यान देते तो घटती भी नहीं। आपको भी विदित है इस बात को लेके कि जब कन्हैया लाल जी को धमकी मिली थी, जब कुछ हुआ था तो उन्होंने जाके पहले भी पुलिस को जाके रिपोर्ट दे के आए थे कि साहब मेरे साथ ऐसा सा हुआ, और पुलिस वालों ने उन पर नज़रअंदाज किया और वो इतनी बड़ी घटना हुई जिससे कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई। तो सरकार और प्रशासन यही चाह रहा फिर कि शक्ति सिंह जी और प्रहलाद सिंह जी की फिर हत्या हो जाए, उसके बाद इनको सुरक्षा दी जाए, इनके परिवार को। वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो सरकार नौकरी, दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी और लाइसेंस, रिवॉल्वर के लाइसेंस उनको दिए जाए और आर्थिक सहायता भी दी जाए। जब कन्हैया लाल जी के बच्चों को दी गया हम स्वागत करते हैं, दोनों बच्चों को सुरक्षा भी दी गई, करोड़ों रुपया भी दिया गया और देना चाहिए सरकार को। तो इन दोनों भाइयों ने कोई गुनाह थोड़ी किया। जब पुलिस को इन्होंने पकड़ा और पुलिस को वीरता पुरुष के नाम से गैलेंट्री प्रमोशन मिल जाए, जिनके सिपाही तो वो हेड बन गए, जो फीते लग गए, स्टार लग गए, तो इन भाइयों ने क्या किया? इनमें जान नहीं है क्या? अगर ये वाकई, अगर ये इनका दोष इतना है या हमारा दोष ये है कि राजपूत कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय है, इसीलिए अगर किसी और जाति में हुआ होता तभी तक तो उनके घर पर जाके सरकार नाक रगड़ती होती। तो अब सरकार को हम चेताना चाहते हैं, अगर ये बात हमारी मान ली तो ठीक है, नहीं तो हम 15 दिन के बाद हर जिले स्तर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। और 16 अप्रैल को हमने पूरे राजस्थान को आह्वान किया है और करणी सेना जो बोलती है वो करती है। 16 तारीख को हम पूरे राजस्थान से राजसमंद की धरती पे जन आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने की शक्ति रखते हैं हम, और सरकार की बजा के रखेंगे। हमने पहले भी, हमारे अध्यक्ष जी ने बोला अभी, कमल का फूल हमारी भूल, अब हाथ हमारी भूल होगी, अगर ये बात हमारी नहीं मानी तो इसके लिए भी राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेवार रहेगी और सरकार जाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं। और जो हम बोल दिया वो फाइनल है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो राजस्थान सरकार इस साल आने वाले 2023 के अंदर सत्ता पे नहीं बैठ पाएगी, ये हमारा खुला चैलेंज के साथ है।